सो गाइज, आज का ये प्रोफेशनल सीवी बैकग्राउंड फोटो एडिटिंग आज हम आप लोग को बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम प्रोसेस में सिखा दूंगा। और सबसे पहले तो आप लोग इसका ओरिजिनल फोटो देख लो कि पहले ये फोटो कैसा था, उसके बाद ये फोटो को एडिटिंग करने के बाद यानी सीवी बैकग्राउंड फोटो एडिटिंग करने के बाद ये फोटो कितना ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। और मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह का एडिटिंग करने के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आएगी उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरे भाई, आप लोग ये वीडियो को रोटेट करके देखिए तभी एकदम अच्छे तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपने गैलरी को ओपन कर लीजिएगा और गैलरी में से आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो को गैलरी में शेयर वाला जो ऑप्शन मिल जाता है वहां से इसको शेयर कर देंगे डायरेक्ट हम पिक्सार्ट ऐप के अंदर, ठीक है। तो इस फोटो को हम पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेते हैं और सारी जानकारी आप लोग को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या करना है ये आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इफेक्ट्स यानी इफेक्ट का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप लोगों को क्या करना होगा, एक ऑप्शन कलर का मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके और इधर थोड़ा घसकाइएगा, ठीक है, आप लोग को थोड़ा ज्यादा घसकाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्राइटनेस का, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस नाम का ये ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट को रख देंगे हम कुछ इस तरह से -12 या फिर 11 रख देंगे तो चलेगा, आप लोग भी इतना ही रखिएगा। अगेन क्या करना होगा, ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे राइट साइड में यहाँ पे इनवर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे करेंगे क्लिक और इसको क्या करना है फिर से यहाँ पे रीस्टोर करेंगे और हार्डनेस को हल्का बढ़ा दीजिएगा, साइज को उतना ही पे रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे कि स्किन पर अप्लाई करते ही स्किन यहाँ पे कितना अच्छा तरीका से गोरा हो रहा है, ठीक है। तो ये काम करना आप लोग नहीं भूलिएगा अपने फेस में, अगर आपका फेस डार्क है तो इस ये काम करने से आपका फेस भी गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा, हम थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और ये काम करने के बाद स्किन जो है एक ही बार में यहाँ पे गोरा होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग को ऊपर में डन वाले ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कर देंगे डन। और डन करने के बाद आप लोग को फिर से इसको परमानेंटली सेव करने के लिए एक बार और करना होगा डन। अगेन क्या करना होगा, दूसरा काम इसमें क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ब्राइटनेस को हल्का इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपने फोटो के अकॉर्डिंग कीजिएगा और इसमें हम कॉन्ट्रेस्ट को भी हल्का बढ़ा देते हैं, ठीक है, हल्का हल्का दोनों को कर लिए है ताकि फोटो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगेन यहाँ से फिर से हम इसको कर देंगे डन और डन करने के बाद देख सकते हो फाइनली यहाँ पे फेस कितना अच्छा तरह से गोरा हो चुका है। अगेन दूसरा काम, यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक बैकग्राउंड दे दूंगा, ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, आप लोग इजिली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको एड करके और क्या करेंगे, अपना जो कपड़ा होगा अपना बॉडी होगा उसको ढक दीजिएगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आइएगा और आने के बाद इसको कर देंगे हम मल्टीप्ले, ठीक है, मल्टीप्ले कर देंगे, आप लोग भी कर लीजिएगा। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग को यहाँ पर इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इस बार और क्लिक करने के बाद नीचे फिर से इनवर्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक और फिर से आएंगे हम रीस्टोर वाले ऑप्शन पे और हार्डनेस को बढ़ा लीजिएगा। इस बार हम हार्डनेस को रख लेते हैं 96 और साइज को छोटा या फिर बड़ा हमेशा करते रहिएगा, जैसा जगह रहेगा वैसा साइज। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ जो कपड़ा का कलर आप लोग को चेंज करना होगा उसी पर अप्लाई कीजिएगा, कपड़ा से बाहर अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दूँ कि जितना जूम कर लीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको अप्लाई करने में उतना बेहतरीन तरीका से आप लोग कपड़ा का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काम हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और ये भी काम कर लेंगे तो देख सकते हो आप लोग की फोटो पहले से ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, इसको भी सेव करने के लिए ऊपर डन वाले ऑप्शन से इसको भी कर देंगे डन और इसको भी फिर से परमानेंटली सेव करने के लिए फिर से हम कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। तो ये भी काम एकदम अच्छी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। अगेन मेरे भाई क्या करना होगा, आप लोग को फिर से जाना होगा यहाँ पर एड फोटो वाले ऑप्शन पर ही और यहाँ पर जाने के बाद इस बार हम क्या करेंगे, वो सीवी लाइट वाला जो बैकग्राउंड है उसको हम कर लेंगे इस फोटो पर एड, ठीक है। जैसे कि ये रहा बैकग्राउंड, सिंपली हम इसको कर लेते हैं एड और एड करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग को साइज को पूरा फुल साइज कर लेना होगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है, छोटा नहीं करना है, हल्का बड़ा हो जाए तो चलेगा। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, इसको भी ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पे करेंगे हम क्लिक
और क्लिक करने के बाद नीचे राइट साइड में इनवर्ट वाले ऑप्शन से इसको भी हम कर देंगे इनवर्ट। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, फिर से जाएंगे रिस्टोर पे और हार्डनेस को इस बार रखिएगा 97 या फिर 8 और साइज को छोटा बड़ा हमेशा करते रहिएगा। और इसको अपने फोटो जो है अपने फोटो होगा उसको बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है कुछ इस तरह से, और अप्लाई कर करके यहाँ पर हम कर लेंगे बैकग्राउंड को चेंज। ठीक है, और ये काम करने में आप लोग का मतलब 5-6-7 मिनट लग सकता है, तो आप लोग बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा और बहुत ही प्यार प्यार से। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, यानी वीडियो को फास्ट, उसके बाद हम आगे आप लोग को फिर से बताते हैं। ये भी काम हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट और फोटो पहले से कितना ज़्यादा ऑसम दिखने लगा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगेन मेरे भाई इसको भी कर देंगे हम यहाँ से डन डन वाले ऑप्शन से, उसके बाद फिर से हम कर देंगे डन, ताकि ये भी काम एकदम अच्छा से सेव हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, आप लोग को यहाँ पर बाल में कट कैसे मारना है पिक्सार टेप से आप लोग को कोई नहीं बताता होगा, लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे लास्ट कीजिएगा वहाँ पर ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगेन मेरे भाई आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कलर का, ठीक है, तो यहाँ पर कलर ऑप्शन पे क्लिक करके और क्या करेंगे, जिसके एक है जो कलर को उठाने वाला है, इसका ऑप्शन का नाम नहीं पता मुझे, उसको क्या करेंगे अपने फेस का जो कलर होगा वो कलर पे जाके छोड़ दीजिएगा इसको। और क्या करना होगा आप लोग को, नीचे यहाँ पे एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, साइज को कुछ इस तरह से 10% रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ओपासिटी को पूरा 100 रखिएगा। उसके बाद बाल में आप लोग को जैसे कट मारना होगा उस तरह से फिंगर को एकदम आसान से मतलब रखते हुए, एकदम टेढ़ा मेरा नहीं करना है, सीधा तरह से करते हुए आप लोग कर लीजिएगा। और गलत हो आता है तो यहाँ पे बैक स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से क्लिक करके और फिर से सेम काम कर लेंगे। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, इसको एब्रो पे भी कट मारना चाहते हो तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से मार सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो इसको भी हम अभी कैसे ठीक करना है ये मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इरेज का ऑप्शन एक मिल जाएगा, तो यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रश का साइज़ को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और ओपासिटी को भी कम कर लीजिएगा हल्का, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, जो गलत हो जाएगा यानी एक्स्ट्रा जो लग जाएगा उसको हम कर लेंगे बहुत ही आराम आराम से इरेज, ठीक है। एक्स्ट्रा लग जाता है उस पर, जैसा कि ऊपर मैंने बाल पर कट मारा था, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा थोड़ा आ गया है बाहर, तो इसको भी हम कर लेंगे एकदम अच्छे तरह से एडजस्ट। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग को इसको भी सेव करने के लिए परमानेंटली आप लोग को डन वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद बस इसमें एक काम लास्ट बाकी है, जो कि वो काम क्या करना होगा, इसमें एचडीआर हम इफेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक FX का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और HDR1 का जो ऑप्शन है सबसे फर्स्ट में उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना होगा आप लोग को, ये वाला जो ऑप्शन है सेकेंड वाला, इसको 50 ही रखेंगे और यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन को थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे, तो इसको हम +18 रख लेते हैं। अगेन मेरे भाई इसको भी इरेज वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक और क्या करना होगा, यहाँ पे आपके जो स्किन है स्किन पे आ जाता है ये इफेक्ट, तो स्किन पे से आप लोग इरेज कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि अपना जो होगा आँख होगा उस पर से इरेज नहीं कीजिएगा, अपना आईब्रो होगा उस पर से इरेज नहीं कीजिएगा, बाकी लिप वगैरह पर से आप लोग इरेज कर लीजिएगा तो ही अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। तो ये भी काम आप लोग बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग फोटो एडिट करते हो तो फोटो एडिट में क्या होता है कि जल्दीबाजी का काम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही आराम आराम से करना होता है, तभी आप लोग एक बेहतरीन एडिटर बन सकते हो और अच्छे फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काम यहाँ पे एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया है। अगेन मेरे भाई इसको भी सेव करने के लिए क्या करना होगा, ये तो आप लोग को पता ही है, मतलब डन करना होगा और उसके बाद फिर से हम कर देंगे इसको परमानेंटली सेव करने के लिए डन। और यहाँ पे फोटो देख सकते हो बिफोर पहले कैसा था, और इस फोटो को एडिटिंग करने के बाद ये फोटो कितना ज़्यादा झकास दिख रहा है यहाँ पे, ये तो आप लोग खुद देख सकते हो। उसके बाद इस फोटो को बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोग को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।